हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ प्रियेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल नेस्ट बर्ड। तो जैसे कि कहा था हमने कि हम लोग कॉलोनी बना रहे, तो आप देख सकते हो ऐसे एक कॉलोनी होने वाली है। एक नॉर्मली मैंने स्टैंड करके रखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी बड़ी कॉलोनी होने वाली है। तो आपको टाइम लैप्स से हम दिखाएंगे कि हम कैसे बना रहे, तो देखते कैसी होती कॉलोनी। तो स्टार्ट करते और हम बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे कैसे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसकी जो हाइट है वो 6 फीट है, इसकी जो डेप्थ है वो 5 फीट है, और जो इसकी लंबाई है वो 8 फीट है पूरी। तो ऐसे होने वाली हमारी ये नई कॉलोनी। तो आप यहाँ पे पूरा व्यू देख सकते हो कॉलोनी का। तो अभी अगली वीडियो जो आएगी वो सीधा बर्ड रिलीज करते वक्त आएगी। Many months later. हेलो गाइस, तो रात के कुछ 11:30 बजे है। तो हमारे जो हम इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे बर्ड्स लाने के लिए वो आ चुके हैं। तो इस केज में हम छोड़ेंगे जो हमने बनाया केज, जो 8 फीट लेंथ है इसकी, 5 फीट डेप्थ है, और हाइट इसकी 6 फीट है। आपको दूर से दिखा दो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बहुत दिनों से हम लोग देख रहे थे बर्ड्स के लिए, तो सब बच्चे मिल रहे थे, और हमारे जो दूसरे कॉलोनी में वो सब एडल्ट्स है। इसके लिए हम एडल्ट ढूंढ रहे थे, तो बहुत दिनों बाद हमें एडल्ट का लॉट मिला है। तो आप देख सकते हो सब कलर थोड़े दूर से आए, तो थोड़े थके हुए आप देख सकते हो ट्रैवलिंग करके। तो चलिए इन्हें छोड़ते हैं, फिर देखते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं केज के और फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी केज के अंदर आ चुके और आप देख सकते हो ये हमारा केज ओवरऑल ऐसा है। तो चलिए अभी हम छोड़ते हैं बर्ड्स को। एक हाथ से खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए अभी छोड़ते हैं सारे बर्ड्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बर्ड बाहर आ चुका है। ये ऑफलाइन है, तो चलिए बाकी के भी छोड़ते हैं।
तो ये कुछ 17 बर्ड्स है जो मेल फीमेल है और शायद फीमेल एक्स्ट्रा है। यहाँ पे देख सकते हो बर्ड सारे सब रोजी है और हमारे पास माओ फर्स्ट टाइम है, बाकी हमारे पास ब्लू पहले से ही थे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये माओ ऑफलाइन है, देखो यहाँ पे दो बर्ड्स, ये भी माओ बाहर आ चुका है, ये लूटिन और ब्लू अंदर है। आप लूटिनों का कलर देख सकते हो सारे के सारे अडल्ट से। अब ब्लू का भी कलर देखो, तो इसके लिए हम लोग बहुत दिन के लिए रुके थे, हमको सिर्फ सारे के सारे जो लॉट थे वो सब बच्चों के मिल रहे थे। तो हमें ये क्रॉस करने हमारे पहले पेयर के साथ, तो इसके लिए हम लोग बड़े ढूंढ रहे थे, तो फाइनली हमें बड़े मिल चुके। अरे लास्ट बाहर नहीं आ रहा, तो चले हाथ से पकड़ते और छोड़ते। आप साइज देख सकते हो यहाँ पे बर्ड की, और हेल्थ भी देखो, कलर भी देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 बर्ड्स है, बहुत अच्छे हेल्दी है। तो हम इन्हें अभी क्वारंटाइन करेंगे एक वीक, फिलहाल एक वीक 10 दिन, फिर हम इन्हें हमारे जो पहले बर्ड्स है उसके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि यहाँ से सारे के सारे मेल पकड़ेंगे हम लोग और उस कॉलोनी में डालेंगे, और उस कॉलोनी के जो मेल्स है वो पकड़ के इस कॉलोनी में डालेंगे, तो हमारी जो ब्लड लाइन है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा बच्चा है, और बाकी आप देख सकते हो सारे के सारे एडल्ट है। तो जर्नी के कारण ये सब थोड़े सुस्त है, तो हम इन्हें अभी पानी देंगे और उसमें इलेक्ट्रोल डालेंगे, तो उससे जो बर्ड्स हाइड्रेट हो जाएंगे डिहाइड्रेट हुए हुए, और थोड़ी एनर्जी भी आएंगी बर्ड्स में। तो आप जब भी आप नए लॉट आए आपके पास, तो आप उन्हें एनर्जल डालें, तो उससे वो थोड़े एनर्जेटिक हो जाएंगे दूसरे दिन, और देखते फिर उसके बाद एंटीबायोटिक देंगे थोड़ा सा लाइट, और फिर कल डेटल का थोड़ा स्प्रे करेंगे एक दो ड्रॉप डाल के, तो उससे जो उसके पर में जो हो गया इन्फेक्शन वो भी चला जाएगा, तो हमारे जो पहले बर्ड से उनमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो चलिए अभी पानी देते हैं इन्हें और खाना देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे बर्ड बहुत अच्छे से फ्लाई कर रहे हैं, और रात का टाइम हो रहा है तो नए बर्ड सो रहे होंगे, तो हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पानी लिया है, तो हम लोग ये पानी रखेंगे, उसमें एनर्जल इलेक्ट्रोल हम ये डालेंगे। आप कोई भी एनर्जल यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें हम डालेंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे, और अभी हम इन्हें पीने देंगे और इन्हें हम खाना भी डालेंगे थोड़ी देर बाद। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे बर्ड्स, और मैं आपको हमारे जो पुराने वाले हैं वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पुराने वाले, चलिए अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पुराने वाले सब
कॉलोनी में। तो हमने मटकियाँ नहीं हटाई है, क्योंकि अगर हमने मटकियाँ हटा दी होती तो हमने पेयर कुछ क्या है समझ में नहीं आते कौन से पेयर क्या है, क्योंकि इसमें दो तीन पेयर अच्छे वाले तो उन्हें हमें रखना है वैसे के वैसे, और बाकी सब जो अच्छे से फर्टाइल नहीं हो रहे हैं एक उन पेयर को सिर्फ रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हमने मटकियाँ नहीं हटाई, तो अभी देखते हैं उसे पेयर को हमें हटाना है उसे हम अलग करेंगे, इस वाली कॉलोनी से मेल हटाएंगे और उस कॉलोनी में डालेंगे, और वहाँ के जो मेल है वो यहाँ पे डालेंगे। तो ये कुछ हम 10 दिन बाद करेंगे उन बर्ड्स का क्वारंटाइन होने के बाद, फिर हम आपको वो भी अपडेट देंगे कि हम कैसे बदल रहे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो जो भी अपडेट रहेगी वो आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो बर्ड्स हमारे पहले के, ये तो फुल्ली हेल्दी है देख सकते हो। तो बस यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई होगी और हमारे नए बर्ड्स भी पसंद आए होंगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उससे हमारी जो कॉलोनी की अपडेट रहेगी वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो थोड़ा ही टाइम हो गया और सारे बर्ड्स नीचे आ गए खाना खाने के लिए, तो ट्रैवल करके आए इसके लिए भूख तो लगी होगी, तो खाना भी डाल दिया हमने और मोस्टली सारे के सारे बर्ड्स आ चुके हैं खाना खाने के लिए। आप देख सकते हो एक एक करके आ रहे, आप सब देख सकते हो, देखो एक एक करके आ रहे मोस्टली सभी के सभी बर्ड्स, दो तीन छोड़ के सारे बर्ड्स आ चुके खाना खाने के लिए।